गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें है जो है टॉपिक्स है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, अदिश एवं सदिश। ये अदिश एवं सदिश क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम? अदिश एवं सदिश की विभिन्न गुण क्या है, इनका उपयोग क्या होता है, किस तरह से इनको हम अपने डेली लाइफ में फिजिकल क्वांटिटीज में यूज़ कर सकते हैं, ये इस पूरे यूनिट में है। शुरुआत करते हैं हम कि ये भौतिक राशियाँ कितनी तरह की हो सकती है। तो यदि हम इनको डायरेक्शन के हिसाब से इनकी इस तरह से समझें तो हम दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, पहली स्केलर दूसरी वेक्टर। अदिश एवं सदिश। अदिश क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए टू कंप्लीटली रिप्रेजेंट देम केवल और केवल परिमाण की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उनको हम अदिश राशि कहते हैं। दूसरी होती है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होना आवश्यक है। मीन्स इसमें दोनों क्वांटिटीज हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। एक तीसरी और चीज़ है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम अदिश के बारे में बात करें तो देखें क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शंस ना हो, केवल केवल परिमाण हो, यूनिट भी हो सकती है। तो जैसे मास, द्रव्यमान, टाइम, दूरी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चार्ज, पोटेंशियल, विभव इत्यादि। इसे हम व्यक्त करने का जो तरीका है, सिंपली जो क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है वो सिंबल लिख देते हैं। दैट इज़ जैसे डिस्टेंस के लिए हम डी लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए टी लिखते हैं, टाइम के लिए हम टी लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए हम एम लिखते हैं। नाउ वी स्विच ओवर टू द वेक्टर। सदिश राशि में हम अधिकतर अब तक जो पढ़ते आए हैं वो दो ही चीज़ से, अधिकतर हम पूछें किसी से तो सदिश के बारे में दो चीज़ बताएगा, परिमाण एवं दिशा होनी चाहिए। परंतु यह अधूरी परिभाषा है। क्यों अधूरी परिभाषा है? क्योंकि इसमें एक हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और वह क्या है? वह है कि सदिश वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा एवं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वे सदिश संयोजन के नियमों की पालना करती हो, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कह सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कह सकते हैं, कई सारे नियम है, कहते हैं है तो एक ही पर उसका अलग अलग रूप हो सकते हैं, कहते हैं उस नियम की पालना भी करनी चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, फोर्स, बल, संवेग, दोनों तरह के, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और भी बहुत सारे। को रिप्रेजेंट करने का तरीका तीर का निशान लगा देते हैं ऊपर। कुछ किताबों में फॉरेन ऑथर्स इसको बोल्ड प्रिंट करते हैं, थोड़ा डार्क प्रिंट करते हैं तो वो एक वैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसी विस्थापन के लिए हम डी वैक्टर लिख सकते हैं, फोर्स के लिए हम एफ वैक्टर लिखते हैं। अब ये जो तीसरी प्रॉपर्टी हम जो यूज़ कर रहे हैं वेक्टर में, इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है वो समझें। से व्हाट इज़ द नेचर ऑफ करंट, धारा की क्या प्रकृति होती है, सोचिए। क्योंकि धारा जैसे हमने एक चित्र बनाते हैं, ये जैसे सर्किट बनाया हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है और 0.5 एम्पियर है, ए से बी की तरफ आती है, वोल्टमीटर लगा दिया, एमीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ओम्स लगा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अपन लगाते हैं वो सर्किट हमने तैयार किए। करंट की क्या, देखो इसमें 0.5 एम्पियर भी ही लिखा हुआ है, डायरेक्शन में दे रखी है, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? हम सब जानते हैं दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो सदिश के लिए जो थर्ड इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता। करंट है
वो लॉ ऑफ एक्सट्रैडिशन को फॉलो नहीं करता। धारा सदिशों की जो योग नियम है उसकी पालना नहीं करता, इसलिए हम करंट को स्केलर कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। अधिकतर आप लोगों ने 12th में किया होगा, फ्लक्स लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, ई डॉट ए फाई इक्वल टू ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं बी डॉट ए, ए वेक्टर, दोनों में वेक्टर लिखते हैं, ए ई डॉट ई वेक्टर ए वेक्टर, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। परंतु नहीं, सदिश कैसे हो सकता है? यदि हम दो क्षेत्रफल को जोड़ें, जैसे मान लो हमारे पास में दो छोटे छोटे पोर्शंस है, एक का 1 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का 3 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों के एरिया को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 मीटर स्क्वायर आएगा। तो दिस इज ए सिंपली स्केलर एडिशन, एक अदिश संयोजन है, एक नॉर्मल एडिशन है। तो फिर ये कब वेक्टर है, कब सब स्केलर है, क्या कंडीशन है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? तो हम देखें कि यदि जो स्मॉल एरिया हम रिप्रेजेंट करें, यदि एरिया बहुत छोटा हो, अल्प हो, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। जैसे हमने पिग्रम बनाया डी ए वेक्टर, इसकी जो तल है जिस प्लेन में ये रखा गया क्षेत्रफल, उसके लंबवत इसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा होती है, तब तो ये वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अदरवाइज यदि हम इसको जोड़ना चाहें, कुछ दो तीन क्षेत्रफल को एरियाज को जोड़ना चाहें, तो दैट इज ट्रीटेड एज ए स्केलर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द एरियाज। एंड जैसे हम, ये तो हमारा लीनियर एरिया है, और भी हम एरिया कोई भी काम में ले सकते हैं, करंट का है, इस तरह से कई सारी क्वांटिटीज हो सकती है जो हमें इस तरह से परेशान करती है कि ये अदिश होगा या सदिश होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द वेक्टर है, सदिश के प्रकार कितने हो सकते हैं? पहले हमने किया फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार होते हैं स्केलर वेक्टर। नाउ वी अगेन डिवाइड द वेक्टर इनटू द टू पार्ट्स, नंबर वन पोलर वेक्टर एंड सेकंड वन एक्सल वेक्टर। पोलर वेक्टर जिनको हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं हिंदी में, एक्सल वेक्टर जिनको हम एक्सिस सदिश कहते हैं, वे सदिश जिनकी दिशा कण की गति की दिशा के अनुदिश हो, मीन्स दैट इज द लीनियर मोशन, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे सीधी सीधी लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और कुछ सदिश इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, वे सदिश जिनकी दिशा कण की घूर्णन गति के अनुदिश हो, इनको हम एक्सीय वेक्टर कहते हैं, एक्सेल वेक्टर कहते हैं। जैसे पोलर में हम देखें विस्थापन बना सकता है, फोर्स होता है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेटर, ये सारे ऐसे हो सकते हैं। जबकि जो रोटेशन वाले में लेते हैं, जिसको हम एक्सेल कह रहे हैं, बल युग में कोणीय वेग, कोणीय संवेग हो सकते हैं। नाउ मन में सवाल उठता है, ये क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है, व्हाट इज द फील्ड? जिसे हम कहते हैं ना कि एक टेरिटरी है, एक क्षेत्र बांट दिया हमने कि ये इस तरह से क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फील्ड क्या है? देखिए आगे पढ़ते हैं, वह आकाश स्पेस, मीन्स दिस इज द रीजन, एक क्षेत्रफल, एक आकाश में एक स्पेस जिसमें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आकाश के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर उसका प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मीन्स उस फील्ड का, उस क्वांटिटी का कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशंस हो सकता है, तो कोऑर्डिनेट को हम देख के उसकी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। उस तरह से जो चीज़ होती है, उसका जो प्रभाव होता है, उसको हम फील्ड कहते हैं, गुरुत्वीय फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे हम कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, जिसमें यदि कोई बाहर से यदि कोई कण आ जाता है तो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। इसका मतलब एक चारों तरफ एक रीजन बना हुआ है, एक स्पेस बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी का गुरुत्व बल काम करता है। विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो एक चार्ज लिया, उसके चारों तरफ एक रीजन बन गया, एक एरिया बन गया, एक क्षेत्र बन गया, जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाए तो उस क्षेत्र में बल अनुभव करता है। सिमिलर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्षेत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? जिस तरह से जितनी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, उसी तरह से ये फील्ड भी हो सकते हैं। जैसे हमने पहले किया कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी तरह से फील्ड भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला स्केलर फील्ड, दूसरा वेक्टर फील्ड। अदिश क्षेत्र, वह क्षेत्र या स्पेस, आकाश, जिसमें किसी भौतिक अदिश राशि का मान,
प्लीज नोट इट, दिस इज फिजिकल स्केलर क्वांटिटी का मान आकाश स्पेस के प्रत्येक बिंदु पर निर्देशांकों का फलन हो। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, एंड फाई इज द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, मीन्स इन कोऑर्डिनेट्स पे इस राशि का मान निर्भर करता है, इस अदिश राशि का मान। तो इस क्षेत्र को, जिस एरिया में जो कोऑर्डिनेट आएंगे जिसमें इसका प्रभाव होगा, उसको हम अदिश क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल गुरुत्व विभव हो सकता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से रीजन बनाते हैं। जैसे हमने फिगर बनाया, एक फाई वन का है जिसमें पूरे पर जो अदिश क्षेत्र का मान है वो फाई वन है, दूसरे में जैसे इसकी वैल्यू जो है वो फाई टू है। नाउ वी स्विच ओवर टू द वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक सदिश राशि का, नाउ देयर इज द वेक्टर क्वांटिटी का मान, मीन्स इसका परिमाण भी हो सकता है, दिशा भी, दोनों निर्देशकों को व्यक्त करने के प्लान हो या निर्देशकों का फंक्शन हो। ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ द ए वेक्टर, दैट इज एक्स वाई जेड, मीन्स यहाँ पे इसका परिमाण व दिशा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती हो। इसी को हम वक्र से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने एक लाइन खींची, एक कर्व खींचा, इसी बिंदु पर हमने तीर का निशान बनाया, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ड्रा की, तो इसकी जो दिशा होती है वो ए की दिशा होती है। एग्जाम्पल गुरुत्व क्षेत्र हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर सेवन लेवल्स, एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। जिसे हमने जोड़ सकते हैं, जिसे पहले हम पढ़ के आए 11th क्लास में, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। नाउ वी स्विच ओवर टू द जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए, वो है प्रोडक्ट, गुणा क्या हो सकता है। तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा होने के कारण इसका गुणनफल जो आता है वो अदिश राशियों के गुणनफल से अलग होता है। अदिश राशियों गुणा करेंगे, क्वांटिटी को क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 हो जाता है। परंतु यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसको जो मल्टीप्लाई होगा वो अलग हो सकता है। तो कहते हैं इसकी तीन तरह की संभावनाएँ हो सकती है। पहला, किसी एक सदिश को अदिश राशि के साथ गुणा कर दें। दूसरा ये हो सकता है दो सदिशों गुणन कर लें। तीसरा ये हो सकता है तीन सदिशों गुणन करें। इसके आगे हम बढ़ाए जा सकते हैं, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, 4, 5 जितने भी गुणनफल हो सकते हैं। मीन्स बेस जो है हमारा वो इन तीन से मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम, पहला कि सदिश का अदिश के साथ गुणनफल करें, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो सी वेक्टर आएगा। दिस इज एन इक्वल टू एन इंटू ए वेक्टर। एन कोई भी संख्या हो सकती है, अदिश राशि हो सकती है, ए हमारा दिया गया सदिश है। रिजल्ट प्राप्त होता है वो इसका एन गुणा होता है। आगे पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से दो सदिशों का गुणनफल है, उसके भी दो प्रकार हो सकते हैं। पहला अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सदिश गुणनफल को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर लिखें तो ये अदिश गुणनफल आ जाता है। यदि सी वेक्टर प्राप्त होता है तो दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस होता है। नाउ वी स्विच ओवर टू द ट्रिपल प्रोडक्ट, वो क्या होता है देखिए। अदिश त्रिगुणनफल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कि यदि रिजल्ट जो आ रहा है, यदि वो तीन अदिशों का इस तरह से गुणा करें कि यदि स्केलर प्राप्त होता है तो हम अदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। जैसे डी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, जो डी है वो अदिश राशि है। इसी प्रकार सदिश त्रिगुणनफल की बात करें तो यदि इस तरह का प्रोडक्ट हो तीन वेक्टर्स का कि जो रिजल्ट आए वो वेक्टर क्वांटिटी हो, मींस डी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। नाउ हम एक एक को अलग अलग से ढंग से अलग अलग से वर्णित करते हैं, पढ़ते हैं क्या है। देखिए पहला, सदिश राशि का अदिश राशि गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी विथ ए स्केलर क्वांटिटी। माना कि दिया गया सदिश ए वेक्टर है, इसे किसी अदिश राशि n से गुणा करने पर प्राप्त जो परिमाण आएगा वह c वेक्टर होगा, और जो a वेक्टर का n गुणा प्राप्त होता है, जैसे हमने पहले भी बताया c वेक्टर इक्वल टू n इंटू ए, मीन्स जिस अदिश राशि गुणा करेंगे उतना गुणा हो जाएगा। सिंपली दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ वी स्विच ओवर टू प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। यदि दो सदिशों का गुणनफल किया जाए तो प्राप्त परिमाण अदिश या सदिश प्राप्त होता है, इसी के अनुरूप इसे अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल कहता है। जो रिजल्ट आएगा
उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि किस तरह का प्रोडक्ट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस प्रोडक्ट। यदि रिजल्ट स्केलर आता है तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, यदि इसका रिजल्ट वेक्टर आता है तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अदिश या बिंदु या डॉट गुणनफल। यदि दो सदिशों के गुणनफल इस प्रकार किया जाए कि जो प्राप्त परिणाम होता है वो एक अदिश राशि हो, तो ऐसे गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। मीन्स रिजल्ट जो मिलता है दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने से, यदि वो अदिश राशि आती है तो इसको हम अदिश गुणनफल कहेंगे। जैसे सी इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मान, जो रिजल्ट आता है इसका मान दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ए इसका मैग्नीट्यूड है पहले का, बी दूसरे का मैग्नीट्यूड है, थीटा इन दोनों बीच में कोण है, तो उसका जो कोसाइन आएगा उसके इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसको लिखने का जो तरीका है वो डॉट से कहते हैं, इसलिए इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत काम में लेते हैं अपन, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी वैक्टर। यदि इनके मध्य एफ और डी के मध्य एफ बल है, डी विस्थापन है, यदि कोण थीटा है तो उसको लिखेंगे हम डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के क्या क्या गुण हो सकते हैं देखिए। शुरुआत करते हैं अपन क्रम विनिमय से। कम्यूटेटिव मीन्स ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें ए डॉट बी या बी डॉट ए कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसका लॉजिक ये है कि इसके जो रिजल्ट आता है वो ए बी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मतलब संपलन होता है, कि यदि थीटा को माइनस थीटा भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा होता है, इसको हम संपलन कहते हैं। इसलिए ए डॉट बी कहें या बी डॉट ए कहें दोनों बराबर होता है। सो दिस फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है। दूसरा ये बंटन नियम की पालना करता है। बंटन नियम इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि यदि ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी लिखा हो आपके पास में, मीन्स दो प्लस कर रखा है उनका हो, तो ये दोनों को अलग अलग बांट देता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरा ये जो नियम फॉलो करता है वो एसोसिएटिव लॉ है, सहचार्य का नियम। जैसे हमने किया कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने बी और सी को पहले प्रोडक्ट किया, इनका जो रिजल्ट आता है उसको हम सी के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? पहले हम ए व बी को प्रोडक्ट कर लें, जो रिजल्ट आता है वो सी की प्रोडक्ट करने के बराबर आएगा। सो मीन्स ए डॉट बी एंड द सी डॉट का जो आता है रिजल्ट, दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड दैट डॉट ऑफ द सी। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज़ यूज फॉर द न्यूमेरिकल्स, मोस्टली एक न्यूमेरिकल आता ही आता है इस तरह से। क्या है देखिए, दो लंबवत राशियों का अदिश गुणनफल जीरो होता है। यदि दो ऐसी राशियां जो एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, बीच में 90 डिग्री हो, तो इनका जो गुणनफल आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो जीरो होता है। कैसे? इफ ए इज परपेंडिकुलर टू द बी, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 वी नो वेरिएबल दैट इज इक्वल टू जीरो। सो द सी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90 एंड कॉस 90 इक्वल टू जीरो। सो सी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू द बी। यदि एक दूसरे के परस्पर लंबवत है तो मीन्स दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो होता है। दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। यूज क्या करें इसका? आई डॉट जे करें, आई एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, के जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर है। मीन्स इनके आपस में यदि गुणा करें, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, आई आई डॉट के, ये जीरो होता है। एंड द नेक्स्ट फॉर द पैरल, पहले हमने किया था परपेंडिकुलर वाला, अब यदि हम पैरल बात करते हैं कि दो समांतर सदिशों का, समांतर सदिश है का अदिश गुणनफल, थोड़ा प्रिंट गलत हो गया, का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। कब? क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो हो तो कॉस जीरो इक्वल टू वन हो जाता है, दिस इज द मैक्सिमम। सो सी इक्वल टू ए डॉट बी एंड ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान एक होता है जो मैक्सिमम होता है। सो ए बी मैक्सिमम प्राप्त होता है। इसका यूज़ ए डॉट ए कहें, सो ए डॉट ए कॉस जीरो
कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, वन होती है, सो ए ए ए स्क्वायर हो जाता है। यूज क्या आएगा इसका, मोस्टली हम लिखते हैं आई डॉट आई इक्वल टू वन, जे डॉट जे इक्वल टू वन, के डॉट के इक्वल टू वन, बिकॉज आई और आई के बीच में एंगल जीरो आता है, जे और जे के बीच में जीरो, एंड के और के बीच में जीरो। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।